नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट के म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन पेपर के छठवें पार्ट को शुरू कर रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक, शोकेस और भंडारण प्रणालियों के निर्माण के लिए कास्ट के किस पीएच मूल्य की सिफारिश है? रिकमेंडेड पीएच वैल्यू ऑफ वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शोकेस एंड स्टोरेज सिस्टम इज ऑप्शन ए 4 से कम लेस देन 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5 से अधिक या मोर देन 5। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी 5 से अधिक। 5 से अधिक अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो 7 जो है वो एक न्यूट्रल होता है। किसी भी सॉल्वेंट का अगर पीएच वैल्यू 0 आ रहा है किसी भी वस्तु का तो वो एक न्यूट्रल है, जबकि पीएच से कम आने पर वो एसिडिक होते चला जाता है, जबकि 7 से ऊपर आने पर वो बेसिक होने लगता है। इसीलिए इसको ना पूरी तरीके से एसिडिक और ना ही पूरी तरीके से बेसिक फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए पीएच वैल्यू किसी भी शोकेस के लिए 5 से अधिक रखा गया है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दो, डोसेंट का अर्थ है द टर्म डोसेंट मीन्स ऑप्शन ए दीर्घ सहायक गैलरी असिस्टेंट, बी संरक्षक कंजर्वेटर, सी परिग्रहण एक्सेशनिस्ट, ऑप्शन डी दीर्घ गाइड गैलरी गाइड। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी दीर्घ गाइड गैलरी गाइड। दीर्घ गाइड गैलरी गाइड जिसको डोसेंट ब्रिटिश टर्म में प्रोफेसर से नीचे वाले व्यक्ति को डोसेंट बोला जाता था, जबकि म्यूजियम में इसको गैलरी गाइड के रूप में इस टर्म का यूज किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीन, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम का मुख्यालय कहाँ है? द हेड ऑफिस ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM इज इन ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी मुंबई। तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम का अगर मुख्यालय देखा जाए तो वो कोलकाता में स्थित है, इसलिए इसका सही ऑप्शन आता है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या चार, जाकिर हुसैन स्मृति संग्रहालय कहाँ है? जाकिर हुसैन मेमोरियल म्यूजियम इज इन ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो जाकिर हुसैन स्मृति संग्रहालय की बात किया जाए तो ये एक दिल्ली में है और ये एक पर्सनालिया म्यूजियम जिसको एक व्यक्तिगत म्यूजियम के रूप में बोला जाता है वो ये म्यूजियम है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या पाँच, यहाँ पे दो सूची दी गई है और दोनों सूचियों का मिलान करना है। पहले सूची में मार्केट पेनेट्रेशन, मार्केट अंतः प्रवेश, मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट की समझ, मार्केट एनालिसिस, मार्केट का विश्लेषण और मार्केट शेयर, मार्केट में भाग। जबकि सूची में दूसरी सूची में पहला मार्केट संबंधी सूचना जिसमें संरचना और झुकाव संबंधी सूचनाएं सम्मिलित हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट इंक्लूड कंपोजिशन एंड ट्रेंड। सेकेंड, आगंतुकों को आकर्षित करने में संग्रहालय की सफलता की सीमा, द डिग्री टू विच ए म्यूजियम इज सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग विजिटर्स। थर्ड, समग्र बाजार में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की सीमा, द एक्सटेंट टू विच ए म्यूजियम अट्रैक्ट यूजर इन ओवरऑल मार्केट। फोर्थ, मार्केट की संरचना और ढांचों पर किया विश्लेषण, एनालिसिस कैरिड आउट ऑन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट। तो मार्केट पेनिट्रेशन करने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति को किसी चीज के लिए बुलाया जाता है या उसमें उस चीज को ऐड कर दिया जाता है किसी भी तरीके से, एक प्रकार से इसको ऐड समझ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन दो से मिलान होगा कि द डिग्री टू विच म्यूजियम इज सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग विजिटर्स। तो ये एक मार्केट पेनिट्रेशन है कि किसी तरीके से मार्केट में अपने अपनी पैठ बनाना। इसलिए दो का ए का दो, मार्केट की समझ, मार्केट इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे है कि मार्केट में जो भी चीज़ें चल रही है, जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना, तो इस प्रकार से बी का वन। मार्केट विश्लेषण की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, तो मार्केट में जो भी स्ट्रक्चर कंपोजिशन है उसका एनालिसिस करना, तो ये मार्केट एनालिसिस में, इसलिए सी का फोर, तो बाकी बचा डी का थ्री।
इस प्रकार से कहा जाए तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ये ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। यहाँ पहले वाले में है अब्रेशन, ब्लूम, फॉक्सिंग और स्पैटर, जबकि सूची 2 में पहला कागज के आधार पर पीले भूरे या धूसर गोलाकार खुरदुरे चकते पड़ना, रफली सर्कुलर येलो ब्राउन ऑन ग्रे स्पॉट ऑन पेपर सपोर्ट, सेकंड बाह्य सामग्री के सूखे बिंदुक या छींटे पड़ना, रेफर टू डाई ड्रॉपलेट और स्प्लैशेस ऑफ फॉरेन मटेरियल, थर्ड रबर लगने के कारण फिनिश पेंट या सतह पर सतह का क्षतिग्रस्त होना, द लॉस ऑफ फिनिश पेंट और ग्राउंड बाई रबिंग, फोर्थ वार्निश की परत पर नीले या पीले रंग का धुंधला का छा जाना, ए ब्लूइश एंड येलोइश क्लाउडनेस ऑफ द वर्निश फिल्म। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर करते चलते हैं या ऊपर से नीचे, दोनों में सही है। ए का यहाँ मिलान होगा, एब्रेशन का मतलब होता है जब किसी चीज़ पर रगड़ आ जाता है, रगड़ खाने से या स्क्रैच लगना जिसको बोल सकते हैं, इस प्रकार से ए का थर्ड होगा। ब्लूम ब्लूम की अगर बात किया जाए तो जब किसी वर्निश पर किसी चीज़ का परत पड़ने लगता है, ये लुइस होने लगता है, तो उसको ब्लूम बोला जाता है, जबकि फॉक्सिंग है कागज पर पड़ने वाला एक प्रकार का बीमारी है जो कि पीले और भूरे करके वो गोल गोल खुरदरे चक्के बनना शुरू हो जाता है, या ऐसा कह दे कि जब चाय पीते रहें और कागज पर कोई दो चार बूंद चाय के छींटे पड़ जाते हैं और उससे जिस प्रकार का कलर पेज पे आता है उसे, उस टाइप को हम लोग फॉक्सिंग कहते हैं। जबकि स्पेटर की बात किया जाए तो स्पेटर मतलब बूंदे छिड़कना, जब हम किसी पानी का छिड़काव थोड़े थोड़े करते हैं किसी चीज़ों पे, वह उस तरीके का कोई चीज़ आता है तो उसको स्पेटर बोलते हैं। इसलिए ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, इस प्रकार से इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी बीमारी बताया गया और दूसरी तरफ में उसमें क्या हो जाता है उसकी जानकारी दी गई है। उस सूची 1 और सूची 2 में उस दोनों का मिलान करना है। एक्रेशन, ब्लीचिंग, कॉकलिंग और फॉक्सिंग, जबकि सूची 2 में पेंट या वार्निश में बेतरतीब असामान्य पीले या दूधिया क्षेत्र, इरेगुलर एबनॉर्मल पेल और मिल्की एरिया जिन पेंट और वर्निश, सेकंड किसी आधार सामग्री पर सिलवट बिना चुन्नट के पड़ना, व्रिंकल विदाउट क्रीजेज ऑफ ए सपोर्ट, थर्ड कागज के धरातल पर पीले भूरे या धूसर खुरदुरे चकते पड़ना, रफली सर्कुलर येल्लो ब्राउन और ग्रे स्पॉट ऑन पेपर सपोर्ट, फोर्थ किसी ऑब्जेक्ट या चित्र की सतह पर असंगत सामग्री का संयोगिक जमाव, एक्सीडेंटल डिपॉजिट ऑफ एक्सट्रोनियस मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पिक्चर। इस प्रकार का अगर इसका मिलान किया जाए तो एक्रेशन का मतलब हो जाएगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट या चित्र की सतह पर किसी दूसरे चीज़ों का, या धूल कण इस चीज़ों का जमाव हो जाता है तो वो पार्ट एक्रेशन कहलाता है। जबकि ब्लीचिंग ब्लीचिंग की बात किया जाए तो किसी पेंट या वर्निश पर जब कोई चीज़ जम जाता है मिल्की एरिया के रूप में, ठीक है, तो उसे ब्लीचिंग कहते हैं। जबकि कॉकलिंग की बात किया जाए तो बिना सिलवट के चुन्नट पड़ना जिसको बोल सकते हैं, जब कागज़ को भिगा के या किसी बुक भींग जाता है और उसको सुखाते तो उसमें जो टेढ़ापन आ जाता है उसकी बात यहाँ पे की गई है कॉकलिंग। और फॉक्सिंग का पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे कि वो कागज़ के धरातल पर छोटे मोटे चकते बनना शुरू हो जाता है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब आता है ऑप्शन ए। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये उसका पिक्चर है, जबकि फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसे फॉक्सिंग कहते हैं, जबकि सेकेंड वाला जो पार्ट दिखाया जा रहा है पिक्चर वो आपका एक कॉकलिंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में वस्तुओं के प्रकार दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में संग्रहालय के प्रकार, जहाँ पे ये सारी वस्तुएं संग्रहित की जाती है उस वस्तु के आधार पर संग्रहालय का नाम है। तो पहले वाले सूची में ए प्रसिद्ध व्यक्तित्व का शिरोवस्त्र, हेड गियर ऑफ ए फेमस पर्सनालिटी, बी किसी कबीले का पारंपरिक वाद्य यंत्र, ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए ट्राइब, सी एक मृत जानवर, ए डेड एनिमल, डी किसी स्थल से निकाले गए सिक्के, क्वाइंस एक्सकेवेटेड फ्रॉम ए साइट, जबकि सूची 2 में फर्स्ट
जातीय संग्रहालय एथनोग्राफी म्यूजियम, सेकंड प्राकृतिक संग्रहालय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, थर्ड व्यक्तिनिष्ठ संग्रहालय पर्सनालिया म्यूजियम और फोर्थ पुरातत्व संग्रहालय आर्कियोलॉजी म्यूजियम। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का अगर शिरोवस्त्र है तो वो पर्सनालिया म्यूजियम में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से 1 का 3 किसी कबीले का पारंपरिक वाद्य यंत्र है तो वो आपका जातीय संग्रहालय या एथनोग्राफी म्यूजियम में रखा जाएगा। जब एक मृत व्यक्ति की बात की जा रही है तो वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में आ जाएगा। जबकि अगर क्वाइंस की बात की जा रही तो ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में आएगा। इस प्रकार से इसका सही जवाब देखा जाए तो 1 का 3 जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, इस प्रकार से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, यहाँ भी सूची मिलान करना है। सूची 1 में लोक संग्रहालयों का आरंभ, बिगनिंग ऑफ पब्लिक म्यूजियम, बी अलेक्जेंड्रिया मोजियो की स्थापना, अलेक्जेंड्रिया मोजियन फाउंडेड, सी गैलेरिया का विकास, डेवलपमेंट ऑफ गैलेरिया या कि यहाँ पे गैलेरी बोला गया है, और डी कुछ महान कला संग्रहों का उद्भव, ओरिजिन ऑफ सम ग्रेट आर्ट कलेक्शन। जबकि सूची 2 में उसका टाइम पीरियड दिया गया है, फर्स्ट तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, थर्ड सेंचुरी बीसी, सेकेंड 15 सेंचुरी बीसी, थर्ड 16 सेंचुरी और फोर्थ 17 सेंचुरी। सॉरी, वो सेकंड में बीसी नहीं लगा हुआ। तो अगर इसका मिलान किया जाए तो लोक संग्रहालयों का आरंभ अगर देखा जाए तो वो हमारा ब्रिटेन से शुरू हो जाता है इस प्रकार, और वो शुरू होता है लगभग 17वीं शताब्दी पे। इस प्रकार से 1 का 4, सेकंड अलेक्जेंड्री मोजो की स्थापना, तो ये अलेक्जेंडर के समय में टॉलेमी सेकंड सोटर के द्वारा बनाया गया म्यूजियम है, तो ये 3rd सेंचुरी BC में बना था, और जो 5 सेंचुरी BC तक वो रन किया उसके बाद की जानकारी अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार से B का 1, A का 4, B का 1 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख गया, और ऑप्शन डी में C का 3 और D का 2 दिखाया गया है। इस प्रकार से C का 3 होगा, गैलेरी का विकास 16 सेंचुरी में होता है, जबकि अलेक्जेंड्री महान कला संग्रहों का उद्भव हमारा 15 सेंचुरी में स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। अभिकथन में बताया गया है, एक संग्रहालय को सभी उपहार स्वीकार हो, ये म्यूजियम मस्ट एक्सेप्ट ऑल गिफ्ट्स, कारण इससे बिना किसी लागत के संग्रह समृद्ध होते हैं, रीजन इट इनरिचेज कलेक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग एनी कॉस्ट। अभिकथन यहाँ पे गलत है, संग्रहालय हमेशा उत्तम प्रकार की वस्तुएं लेता है जो कि उसके संग्रहालय में प्रदर्शित करने में कोई दिक्कत नहीं हो, और दूसरा इसका कारण किससे संग्रहालय समृद्ध होते हैं तो बिना किसी लागत के, तो संग्रहालय समृद्ध नहीं होते बल्कि उसके स्टोरेज भरने लगते हैं वो भी विदाउट बिना किसी काम के। इस प्रकार से इसका सही, ये अभिकथन और कारण दोनों गलत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत है, बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, अभिकथन में बताया गया, एस एक संग्रह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसका प्रलेखन है, कलेक्शन इज ओनली एज इम्पॉर्टेंट एज इट्स डॉक्यूमेंटेशन, कारण संबंधित सूचनाएं के बिना संग्रह अर्थहीन है, विदाउट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज मीनिंगलेस। तो यहाँ पे अभिकथन जो है सही है कि एक संग्रह कोई भी वस्तु अगर है, अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से किया गया है, उसकी जानकारी अगर सही तरीके से है, तभी उस संग्रह का महत्व बन पाता है। जिसका कोई जानकारी नहीं हो वो वस्तु एक प्रकार से निराधार हो जाती है, जिसे संग्रहालय उसके बारे में शिक्षा दे ही नहीं पाएगा, उसका प्रदर्शन कर ही नहीं पाएगा। जबकि कारण जो है इस प्रकार से उसमें जो भी सूचनाएं आती है उससे संबंधित जितनी जो सूचनाएं हैं, अगर वो उसका अच्छे से प्रलेखन नहीं हुआ, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, तो वो सूचनाएं अर्थहीन हो जाती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कथन ए और कथन और कारण आर दोनों सही है, इस प्रकार इसका सही जवाब आता है ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, अभिकथन, भारी वजन वाले फर्नीचर को कभी मत उठाएं, इन्हें हमेशा खींच कर ले जाएं, नेवर लिफ्ट हेवी पीस ऑफ फर्नीचर, ऑलवेज ड्रैग देम, कारण फर्नीचर का वजन पीठ में
मोच का कारण बन सकता है। फर्नीचर की सुरक्षा कोई समस्या नहीं है। वेट ऑफ फर्नीचर कैन कॉज बैक स्प्रिन, सेफ्टी ऑफ फर्नीचर इज नॉट ए कंसर्न। यहाँ पे अभी कथन जो है कि भारी वजन के जब कोई भी फर्नीचर है उसको घसका उठाना नहीं है वो बात माना जा सकता है, मगर खींच कर ले जाए ये बात बिल्कुल गलत है कि भारी फर्नीचर को खींचना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे उठाने लायक या तो किसी मशीन का या ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की सहारा लेना चाहिए, उसे ड्रैग नहीं करना चाहिए। हाँ, कारण की बात किया जाए तो फर्नीचर का वजन उठाते समय पीठ में मोच आ सकती है, मगर फर्नीचर की सुरक्षा कोई समस्या नहीं है। ये बात इस कारण को गलत कर देती है कि फर्नीचर की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं, जो कि ऑप्शन बी में बताया गया है। इस प्रकार से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, अभिकथन। संग्रहालय प्रदर्शनी में जिस ऑब्जेक्ट को साफ साफ न देखा जा सके उसे संग्रहालय में रखना आंशिक रूप से व्यर्थ है। कारण, युवा और वृद्ध दोनों प्रकार के दर्शकों को ऑब्जेक्ट के मामूली विवरणों और चाक्षुष गुणों को देखकर चाक्षुष संतुष्टि मिलती है। विजिटर्स यंग एंड ओल्ड गेट ए विजुअल सेटिस्फैक्शन बाई सीइंग स्मॉल डिटेल्स एंड विजुअल क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अभिकथन जो है वो सही है, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर हम संग्रह कोई भी प्रदर्श को प्रदर्शनी में रखते हैं और वो प्रदर्श सही से दिखाई ना दे तो उसे जब कोई देखेगा नहीं तो वो प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए उसे खास प्रस्पेक्टिव के आधार पर उसे खास स्थान पे रखा जाना चाहिए, जिससे सभी दर्शकों का नजर उस पर पड़े और वो उसकी जानकारी ले सके। और यहाँ पे जो बात है कारण में कि युवा वृद्ध चाहे किसी भी व्यक्ति के हैं, वो किसी चीज को अगर देखते हैं और उसके बारे में उनके पास जानकारी आती है तो उनको देख के अच्छा भी लगता है और उनको एक संतुष्टि भी मिलती है। इस प्रकार से अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और ये ऑप्शन ए में है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, अभिकथन। संग्रहालय संरक्षक इमली या नींबू के बदले टार्ट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं। कंजर्वेटर्स प्रीफर टू यूज टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड इंस्टेड ऑफ इमली, टर्मेरिन और लेमन। कारण, इमली एवं नींबू में अम्ल नहीं होता है। इमली एंड लेमन डू नॉट कंटेन एसिड। अगर बात किया जाए तो टार्ट्रिक एसिड इमली से और साइट्रिक अम्ल नींबू से मिलता है। तो किसी भी चीज को अगर हम लोग डायरेक्ट यूज करें तो वो उतना फायदेमंद नहीं होता है, जबकि उसका एक्सट्रैक्ट जो एसिड होता है उसको यूज करने में काफी हेल्प मिलती है, उसका सही मिश्रण या सही उपयोग हम हो पाता है। तो इस प्रकार से अभिकथन ए जो है वो सही है, जबकि इमली और एवं नींबू में अम्ल नहीं होता, ये तो बात ऐसे ही गलत है। इमली और नींबू में ही ये दोनों अम्ल पाए जाते हैं, इमली में टार्ट्रिक अम्ल और नींबू में साइट्रिक अम्ल। इस प्रकार से ए सही है और आर गलत है, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, अभिकथन। नेप्थलीन की गोलियों को शोकेस के ऊपरी भाग में रखा जाता है। नेप्थलीन बॉल्स आर केप्ट ऑन अपर साइड ऑफ शोकेस। कारण, ताकि वे आगंतुकों को दिखलाई ना दे। तो यहाँ पे बात सही है कि नेफ्थलीन की गोलियों को शोकेस के ऊपर भाग में रखा जाता है, जबकि ऊपर रखा जाएगा तो आगंतुकों को दिखाई दे, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि नेफ्थलीन की गोलियां कीड़े मकोड़ों से दूर रखने के लिए रखा जाता है, इसलिए अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, अभिकथन ए। डिस्प्ले लाइटिंग विशेषता प्रदर्शन मंजूषा में फाइबर ऑप्टिक लाइटिंग की सिफारिश की जाती है। फाइबर ऑप्टिक लाइटिंग इज रिकमेंडेड फॉर डिस्प्ले लाइटिंग, पर्टिकुलरली इन एग्जीबिशन केस। कारण, फाइबर्स अवरक्त या पराबैंगनी प्रकाश को संवाहित करते हैं तथा मंजूषा के अंतर्गत ताप निर्माण नहीं करते हैं। फाइबर्स कंडक्ट इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट एंड डू नॉट कॉज हीट बिल्ड अप विद इन द केस। अभिकथन की बात किया जाए तो अभिकथन यहाँ पे बहुत सही है, अभिकथन में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि
अधिकतर समय में, अभी के समय में एलईडी लाइट आ चुकी है, मगर एलईडी लाइट से पहले भी, पहले की अगर बात किया जाए तो उससे पहले फाइबर ऑप्टिकल से लाइटिंग की जाती थी और ये काफ़ी अच्छा माना जाता था। यहाँ पे कारण बताया गया है कि फाइबर औरक्त या पराबैंगनी प्रकाश को संवाहित करते हैं, तो इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रे को प्रवाहित नहीं करते, क्योंकि जब लाइटिंग का जो सोर्स होता है फाइबर ऑप्टिक्स के, उसके स्टार्टिंग में ही ये सब सोखने वाले यंत्र लगा दिए जाते हैं, जिससे कि इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रे नहीं पहुँचे और फाइबर्स ये हीट भी जनरेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कारण में थोड़ी सी गड़बड़ी की गई है, अभिकथन सही है जबकि रीजन इसका थोड़े से गलत के कारण ये रीजन गलत हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, अभिकथन। एक ही समय दो से अधिक सामग्रियों को दोनों हाथों का उपयोग कर हैंडल करें। हैंडल मोर देन वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम यूजिंग बोथ द हैंड्स। कारण, इससे कम समय में अधिक सामग्रियों का संचालन किया जा सकता है। मोर ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड इन लेस टाइम। अभी कथन जो है यहाँ पे बताया गया कि सामग्री को दोनों हाथ में उपयोग कर हैंडल करें, तो एक वस्तु में दोनों हाथों का प्रयोग किया जाना चाहिए, दो से अधिक, यहाँ एक से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, मगर यहाँ पे एक से दो लिखा गया, अभी कथन यही गलत हो जाता है। और इससे कम समय में अधिक सामग्रियों का संचालन किया जाता है, यहाँ पे समय की बात नहीं होती, यहाँ पे वस्तु या कलाकृतियों के संरक्षण की बात होती है, तो इसलिए उसको जितना बचाया जाना चाहिए उस पर ध्यान दिया जाता है, ना कि समय पर, इसलिए इसका अभिकथन और कारण दोनों गलत है। तो ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार दर्शाइए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे स्थापत्य दिए गए हैं चार, और उस चारों स्थापत्य के बारे में उसके समय के अनुसार से उसको दर्शाना है, जिसमें पहला है हुमायूं का मकबरा, दूसरा है कुतुब मीनार, तीसरा है लोधी का मकबरा, चौथा है लाल किला। कुतुब मीनार का अगर समय देखें तो ये बना था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, और ये बना था 1199 से बनना शुरू हुआ था और 1220 में इल्तुतमिश के द्वारा इसका काम पूरा होता है, जबकि सेकेंड नंबर में लोदी का मकबरा आता है, सिकंदर लोदी का, और ये इब्राहिम लोदी के द्वारा बनाया गया था 1517 से लेकर 1518 तक में, ये खैरपुर दिल्ली में स्थापित है। उसके बाद आता है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है 1570 ईस्वी में बनाया गया था, जबकि लाल किला की बात किया जाए तो ये 6 अप्रैल 1648 में बन के तैयार होता है। इस प्रकार से अगर इसका मिलान किया जाए तो 2 3 1 4, जो कि ऑप्शन सी में है, इस प्रकार से इसका सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, टैक्सीडर्मी के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। अरेंज द स्टेप ऑफ टैक्सीडर्मी इन सीक्वेंस। फर्स्ट, चर्बी की सफाई, सफाई डी फैटनिंग। सेकेंड, चमड़ी उधेड़ना स्किनिंग। थर्ड, मिनीक्विन तैयार करना प्रिपेयरिंग मिनीक्विन। चौथा, खाल चढ़ाना माउंटिंग। टैक्सीडर्मी बनाने के लिए सबसे पहले उस जानवर की खाल उधाड़ी जाती है या चमड़ी उधेड़ी जाती है, स्किनिंग की जाती है, उसके बाद उसमें जितने जो फैट होते हैं उसको हटा दिया जाता है, फिर उसकी एक मिनीक्विन तैयार करना होता है। मिनीक्विन मतलब उसकी एक प्रतिकृति होती है जिसके ऊपर खाल को चढ़ाया जाता है और वो अपने उस पूरे शेप में आ जाता है। आजकल हम लोग मॉल उल में जाते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन का मैनिक्विन होता है, उसके ऊपर टी शर्ट शर्ट पैंट ये सारे बना के उसको दिखाया जाता है कि कोई भी आदमी पहनेगा तो किस तरीके का दिखेगा। उसी प्रकार से टैक्सीडर्मी में उसका मैनिक्विन तैयार किया जाता है, उस जानवर का या उस ऑर्गेनिज्म का, उसके ऊपर फिर खाल चढ़ा दिया जाता है। इसलिए इसका देखा जाए तो पहला स्टेप पहले में 2, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन सी में, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, राष्ट्रीय संग्रहालयों के निदेशकों का कालक्रम के अनुसार क्रम दीजिए। पुट द डायरेक्टर ऑफ नेशनल म्यूजियम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये नेशनल म्यूजियम दिल्ली की बात की गई है। फर्स्ट, सी शिवराम मूर्ति। सेकेंड, एल पी सिहाड़े। थर्ड, ग्रेस मॉर्ले। फोर्थ, एन आर बनर्जी। अगर शुरुआत किया जाए तो ग्रेस मॉर्ले यहाँ पे उनके फाउंडर डायरेक्टर के रूप में है, जबकि उनके बाद श्री शिवराम मूर्ति आते हैं, उसके बाद
एन आर बनर्जी और लास्ट में एल पी सिहारे। इस प्रकार से 3-1-4-2 जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, सांस्कृतिक क्रम में रखिए, अरेंज देम इन कल्चरल सीक्वेंस। फर्स्ट मध्य पाषाण संस्कृति मेसोलिथिक, सेकंड ताम्र पाषाण संस्कृति चालकोलिथिक, थर्ड पूरा पाषाण संस्कृति पैलियोलिथिक, फोर्थ नव पाषाण संस्कृति नियोलिथिक। सबसे पहले पूरा पाषाण संस्कृति आता है, तो ए का थर्ड यहाँ ऑप्शन फर्स्ट में दिख गया। उसके बाद नव पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण, मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण, नव पाषाण के बाद ताम्र पाषाण काल आता है। तो 3-1-4-2 ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 22, प्रदर्शनी आयोजन के चरणों को सही क्रम दीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन एग्जीबिशन इन करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट निर्माण के बाद मूल्यांकन, सेकंड ऑब्जेक्टों का चयन, थर्ड कथा लेखन, फोर्थ लेबल लेखन। अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले कथा लेखन किया जाता है कि किस स्टोरी पर हमारा एग्जीबिशन एस्टेब्लिश होगा। उसके बाद कथा लेखन करने के बाद ऑब्जेक्टों का चुनाव किया जाता है कि आखिर इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट को ऐड किया जाना है। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का लेबल लिखा जाता है और उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो 3-2-4-1, 3-2-4-1 ऑप्शन सी में है जो कि इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, समुचित भंडारण सुविधाओं में शामिल है, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी इंक्लूड। ए सिलेंडर बॉक्स बक्से या बॉक्सेज, सेकंड आकुंचन सील या रिट्रैक्टेबल फ्रेम, थर्ड फाइलिंग कैबिनेट और फोर्थ सेल्फ। और इसकी बात किया जाए तो सिलेंडर बॉक्सेज समुचित भंडारण के लिए प्रयोग किया ही जाता है। रिट्रैक्टेबल फ्रेम का भी यूज भंडारण के लिए किया जाता है, जबकि फाइलिंग कैबिनेट का यूज भंडारण के लिए नहीं किया जाता है। वहाँ पे जितने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं काम धाम करने वाले, वैसे वाले कैबिनेट में रखे जाते हैं, वहाँ पे उसका सही तरीके से भंडारण नहीं होता है। और चौथा सेल्फ, सेल्फ में हम किसी चीज़ का भंडारण करते हैं। तो 1, 2, 4 जो है वो समुचित भंडारण सुविधाओं में शामिल है, जबकि फाइलिंग कैबिनेट नहीं है, जो कि 1, 2, 4 ऑप्शन बी में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1, 2, 4। चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, सिलिका युक्त पदार्थों में सम्मिलित है, सिलिशियस मटेरियल इंक्लूड्स। फर्स्ट सीसा ग्लास, सेकंड एस्फाल्ट, थर्ड टेराकोटा, फोर्थ पार्सिलियन। सिलिका की अगर बात किया जाए तो ये अधिकतर बालू में, मिट्टी में पाया जाता है। तो ग्लास में, टेराकोटा और पार्सिलियन, ये देखा जाए तो तीनों मिट्टी से बने होते हैं और या बालू से बने होते हैं, जबकि एस्फाल्ट जो है वो पेट्रोलियम से निकल के बनता है। इस प्रकार से 1, 3, 4 जो कि ऑप्शन डी में है, तो सही जवाब ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2। सूची 1 में विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों का नाम दिया गया है, जबकि सूची 2 में उसके गवर्निंग बॉडी का नाम दिया गया है। तो पहला है सूची 1 का भारतीय संग्रहालय कोलकाता, दूसरा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, तीसरा एग्मोर संग्रहालय चेन्नई और चौथा बाल संग्रहालय लखनऊ। वही सूची 2 में फर्स्ट राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड न्याय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, थर्ड केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, फोर्थ निजी प्राइवेट। तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा रन किया जाता है, इसलिए ए का 2। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, इसलिए इसका बी का 3। एगमोर संग्रहालय चेन्नई ये एक राज्य सरकार द्वारा संचालित संग्रहालय है, जबकि बाल संग्रहालय लखनऊ ये एक निजी संग्रहालय है। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ये ऑप्शन सी में है। इस प्रकार से इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी को। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट अपने सुझाव कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और थैंक यू।